उत्तर भारत के राज्यों में लगभग रोजाना न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि माना जा रहा है कि होली के बाद भी सुबह शाम के मौसम में हल्की ठंड मौजूद रहेगी। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार हैं। तो चलिए जानते हैं आज के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली, दिल्ली और एनसीआर में गर्मी का एहसास अब तेजी से बढ़ने लगा है। मंगलवार सुबह भी लोगों को कुछ ठंड नहीं महसूस हुई और मौसम विभाग का ताजा अनुमान है कि दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी भी बढ़ती जाएगी। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को दिन भर आसमान साफ रहेगा। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई या फिर गरज के साथ छींटे पड़े। दिन का तापमान पश्चिम बंगाल के पर्वतीय इलाके, सिक्किम, असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अलग अलग स्थानों पर सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर, गुजरात, विदर्भ, केरल, माहे और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 9 मार्च तक जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं 7 से 10 मार्च तक महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।